ओके इन प्रॉपर फ्रैक्शन। देन डिस्कस करेंगे हम थर्ड यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन मीन्स क्या होगा कि ऐसा फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन मीन्स क्या होगा, अ फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा वन। ओके यूनिट 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 मीन्स क्या होगा, यूनिट वन, यूनिट मीन्स वन, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा ऑलवेज वन, वन अपॉन फाइव, वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन फोर, वन अपॉन सेवन, वन अपॉन नाइन, यानी अ फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी वन, दिस इज यूनिट फ्रैक्शन। ओके ये हो हमारे यूनिट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर वन नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं नाइन अपॉन वन, नॉट यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट मीन्स ऑनली न्यूमरेटर इज वन। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, अ फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिनमें अ होल नंबर एक तो कंप्लीटली होल पार्ट होगा एंड फ्रैक्शनल पार्ट, लाइक दिस थ्री वन अपॉन फोर, ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों, बिकॉज ऑफ एक तो इसमें कंप्लीटली होल पार्ट और एक है इसमें फ्रैक्शन पार्ट, ये फ्रैक्शन है ये होल है। आपको पहले बताया ना मैंने, कोई भी अगर सिंपल नंबर होता है तो ये होगा नंबर कंप्लीटली होल नंबर, और अगर कोई भी हम अगर पार्टीशन में लिखते हैं तो वो होगा फ्रैक्शन नंबर। तो मिक्स्ड नंबर जैसे तुझे बताओ मिक्स्ड फ्रैक्शन, होल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के हम अदर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, फाइव फोर अपॉन टू, इसमें फाइव तो क्या है होल नंबर और फोर अपॉन टू क्या है फ्रैक्शन नंबर, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसके हम अदर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, वन वन अपॉन टू, फोर थ्री अपॉन फाइव, नाइन वन